वेलकम बैक फ्रेंड्स। इतना लंबा ब्रेक लेने के लिए सॉरी दोस्तों, क्योंकि इतना लंबा ब्रेक मैंने नहीं लिया था 2-3 सालों में पिछले। तो चलिए, स्वागत है इस खूबसूरत नए प्लांट के साथ, जिसको आप जानते ही हैं मेरे ख्याल से। तो लगभग 2 साल के बाद ये हाल है इस प्लांट के, और इस बार इसने नियमित रूप से फ्लावरिंग नहीं किया था, बट अभी जाके कुछ लेट ब्लूम कर रहा है और संपूर्ण एक शेप में है। फूल के स्केट देखिए दोस्तों, अब उसमें मैच्योरिटी लानी बाकी है, यानी ये अभी तक ट्रेनिंग पॉट में ही है, और अब उसको हम उस ऊपर उठाते हुए उसकी नेबरिस पे काम करेंगे। तो अभी भी ये भले ही ये शेप में दिख रहा है, पर एक ट्रेनिंग पीरियड में है, और कभी कभी प्लांट की ब्रांचों को सही तरह से फैलाना ज़रूरी है। बट बोगनविलिया में जो कैनोपी बनती है वो दोस्तों, वो होती है फ्लावरिंग से। तो फ्लावरिंग से ही कैनोपी बनानी होती है इस प्लांट में। तो ब्रांचें कम हो या ज़्यादा कोई फ़र्क नहीं पड़ता, यहाँ एक ही ब्रांच अपर हो रही है, उसको भी हाइड हो रही है, बट उसको केवल वायरिंग करने की ज़रूरत है, नहीं तो ये बहुत ही बढ़िया से एक शेप में आ चुका है। तो जब दूसरे प्लांट ग्रो फ्लावरिंग कर रहे थे तब ये ग्रो नहीं कर रहा था, अब इसने जो भी नया ग्रोथ दिखाया दोस्तों, फ्लावरिंग बर्ड से फ्लावरिंग बर्ड आए हैं, यानी हर एक जो ब्रांच है वो फ्लावर से भरी हुई है दोस्तों। तो आई होप कि क्लासरूम सीरीज़ में भी सबको फ़ायदा मिला होगा, और ना भी मिला हो किसी को तो फिर से वीडियो देखने की कोशिश करें, इससे ज़्यादा तो मैं कुछ नहीं कर सकता। देखिए ये बोगनविला की ब्रांच कभी कभी टूट भी जाती है, तो ये देखिए कितनी बढ़िया तरीके से हीलिंग हुआ है, ये हीलिंग हो चुकी है, यहाँ से ब्रेक हुई थी आधी ब्रांच, बट आप यहाँ हीलिंग स्टार्ट हो गए, ग्रीन पार्ट देख सकते हैं आप। तो इसमें भले ही फ्लावरिंग नहीं हुई, बट मैंने कोई पानी देने के सिवा कोई स्पेशल ट्रीटमेंट नहीं दी है इस प्लांट को, देखिए फिर भी ये बढ़िया से ग्रो कर रहा है दोस्तों। कुछ अनवांटेड ब्रांचें ग्रो हो जाती है स्टेम में, उन सबको पिंच कर देना होता है पहले से ही, तो ये दूसरे ग्रोथ को ये डिस्टर्ब नहीं कर पाएगी। तो अनवांटेड ब्रांचों के बारे में भी आपने लेसन देखा होगा, यहाँ कोई ऐसी अनवांटेड ब्रांचें नज़र नहीं आएगी दोस्तों। देखिए यहाँ ब्रांच सिस्टम में देखिए, सभी ब्रांचों के बीच में गैप होना चाहिए दोस्तों, और ये भी है फुल कैस्केड। तो नीचे झुका हुआ प्लांट पहाड़ों से गिरता हुआ अटक जाता है, बाद में इस तरह से अपने आप को ग्रो करवा लेता है, और टूटा हुआ भी होता है। तो देखिए यहाँ से एक बड़ी ब्रांच टूटी हुई है, यहाँ डेड वुड है दोस्तों। तो बढ़िया से रिएक्शन मिलता है, कितनी साइज़ की भी ये ब्रांच हो आप प्रोपोगेट कर सकते हैं मानसून के दौरान, गुजरते मानसून में या मानसून के एक महीने पहले लगा ले, यानी मार्च में आप सब कटिंग लगा सकते हैं। अभी भी अब सीजन आ गया है, कुछ कटिंग ग्रो भी हो गए होंगे, क्योंकि हमारे 4-5 जोन हैं, इसमें कहीं कहीं गर्मियाँ भी शुरू हो गई होगी। तो अभी यहाँ वसंत पंचमी के बाद सही सीज़न आता है दोस्तों, तो उसी के बाद ही कुछ ट्राई करने की कोशिश करें, क्योंकि हमने थियोरी पढ़ ली है तो अब सबको प्रैक्टिकल करने की बहुत ही ज़्यादा एक्साइटमेंट होगा। तो धैर्य रखना चाहिए दोस्तों, यानी पेशेंस बनाए रखें और सही सीज़न का इंतज़ार करें, इंतज़ार का फल तो मीठा ही होता है। देखिए यहाँ भी कितनी अच्छी तरह से फ्लावरिंग हो रहा है। तो चलिए दोस्तों, इसी तरह बने रहना होगा, और मैं चाहूँगा कि कंटिन्यू वीडियो देता रहूँ। तो चलिए मिलते हैं किसी और टॉपिक के साथ, थैंक यू फॉर वॉचिंग, और फ्लावरिंग का मज़ा लीजिए।